सहारनपुर में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी की फटकार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और जिले के तमाम अधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी ने खुले मंच से कहा कि मेडिकल कॉलेज में कुछ आउटसोर्सिंग के ऐसे कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते और दूसरे कर्मचारियों का भी उत्पीड़न करते हैं। इनकी वजह से पूरे मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आप खुद देखिए कि कैसे मंत्री ने प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाई। प्रिंसिपल ने यहाँ की जिम्मेदारी सौंप रखी है, जो स्टाफ का शोषण करते हैं जिस तरीके से, मैं डीएम साहब से भी कहूंगा, हमारे प्रभारी मंत्री से भी कहूंगा, वो चार पांच लोग तत्काल प्रभाव से आउटसोर्सिंग के यहाँ से तत्काल हटा देने चाहिए, वरना इस मेडिकल कॉलेज को जिस तरीके की दिक्कत हो रही है वो यहाँ का स्टाफ अच्छी तरह जानता है। यहाँ तक के आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों का भी यहाँ से शोषण किया जा रहा है। उन्हें तारीख दे दी जाती है ऑपरेशन की, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, और जो यहाँ सुविधा शुल्क दे देता है उसे तारीख दे देती है एट ए टाइम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में है। माननीय मंत्री जी, आप यहाँ आए, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। यहाँ हमारे स्टूडेंट की भी सहूलियतें चाहिए, और विशेषकर यहाँ हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे मरीज हैं, कोई इतनी थैली का मरीज है, कोई कह का मरीज है, और गंभीर से गंभीर रोग ही आया है, दवाई उन्हें पूरे तरीके से नहीं मिल पाती, बाहर से दवाई लेके जाती है, उस पर सब पर हमें ध्यान देना होगा, तभी हम इसे सरकार को के लिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सरकार हमारे, सरकार पूरा पैसा दे रही है। अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि इतना पैसा फंड आया है, लेकिन वो रोगियों पर लगना चाहिए, कॉलेज में लगना चाहिए, तभी यहाँ की खुशहाली हो सकती है, तभी यहाँ की जनता को बहुत कुछ मिल सकता है। मंत्री जी की फटकार से आहत होकर प्रिंसिपल अरविंद त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने की बात कही, जिसके बाद अब मंत्री और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आमने सामने आ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।